watching and you are watching my channel as sailor. So aaj ki video mein baat karenge that how you can get sponsorship letter from any shipping company or from any training institute. So without any delay, let's start the video. So first of all, I will tell you that what is the sponsorship letter. So sponsorship letter ek job surety letter hota hai, like आपकी प्रीसी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले आपके हाथ में एक जॉब आ जाती है. लाइक जब आप प्रीसी ट्रेनिंग खत्म करोगे उसके बाद आपको मार्केट में जॉब सर्च नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हो जिस कंपनी के द्वारा आपने स्पॉन्सरशिप लेटर लिया है. सो बेसिकली दिस स्पॉन्सरशिप लेटर इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और बाय द शिपिंग कंपनी. सो इसको लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं. सबसे पहले हम उस क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं. कंपनी की और हर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम कम से कम रिक्वायरमेंट जो होती है उस पर बात कर लेते हैं. सो 12th की स्टडी में आपके पास चार सब्जेक्ट नेसेसरी होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश. और हर एक सब्जेक्ट में लाइक फिजिक्स में आपको 60% का स्कोर करना है, केमिस्ट्री में आपको 60% का स्कोर करना है एंड मैथ में आपको 60% का स्कोर करना है और इंग्लिश में एटलीस्ट आपको 50% का स्कोर करना है. सो ये आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है स्पॉन्सरशिप लेटर लेने के लिए. देन आपका मेडिकल में आपकी आई 6x6 होनी चाहिए, नो कलर ब्लाइंडनेस. डीपली इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में हम आगे बात करते हैं, अभी चलते हैं स्टेप वाइज. सो हमारा फर्स्ट स्टेप है हाउ टू अप्लाई. सो गाइस उसके लिए आपको शिपिंग कंपनी की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना है. लाइक आपकी कोई ड्रीम शिपिंग कंपनी है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं जिसकी आपको स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए, उन कंपनीज के वेबसाइट लिंक मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ जाके भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं. तो आपको वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके आपको कंपनी की रिक्वायरमेंट देखनी है. लाइक मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हर एक शिपिंग कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. लाइक अगर आप टीके टैंकर की स्पॉन्सरशिप लेना चाहोगे तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 85% का स्कोर करना पड़ेगा 12th की स्टडी में, पीसीएम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में. आपको वेबसाइट पे जाके सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखनी है. अगर आप उस रिक्वायरमेंट से एलिजिबल हो उस कंपनी के स्पॉन्सरशिप लेटर के लिए तो आपको वहाँ पे स्पॉन्सरशिप का फॉर्म मिलेगा. वो फॉर्म में आपकी डिटेल्स पुट अप करनी है आपको. लाइक आपका नेम रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, आपने कहाँ से 12th की स्टडी की है, कितनी आपकी परसेंटेज है, आपके पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर शिपिंग लाइन, वो आपके पास होना ही होना चाहिए. तो ये सब डिटेल्स आपको पुटअप करनी है, उसके बाद एप्लीकेशन को आपको सबमिट करनी है. सेम लाइक अगर आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से स्पॉन्सरशिप लेटर ले रहे हो, लाइक बड़े बड़े एंग्लो ईस्टर्न है, ग्रेट ईस्टर्न है, तोलानी, समुद्रा, इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अगर आप स्पॉन्सरशिप लेटर ले रहे हो तो इनके लिए भी आपको इनकी ऑफिशियली वेबसाइट जो है उन पे जाके आपको सेम वही चीज़ें करनी है, रिक्वायरमेंट देखनी है, आपको फॉर्म फिलअप करना है एंड एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है. इनके भी मैं आपको वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पे भी जाके आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं. सो ये था हमारा पहला स्टेप. सेकंड स्टेप आता है एंट्रेंस एग्जाम. सो गाइस जब आपकी एप्लीकेशन किसी भी शिपिंग कंपनी के द्वारा या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा एक्सेप्ट हो जाती है देन आपका रिटन टेस्ट होता है. रिटन टेस्ट में आपसे 10th 12th की स्टडी के बारे में पूछा जाता है, जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपने पढ़ा है अगर आपने अच्छे से स्टडी किया तो इजीली आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. सो जब आप स्पॉन्सरशिप लेटर का फॉर्म भर रहे होते हैं वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं रिटन टेस्ट एग्जाम की, कौन सी सिटी में इनके डिफरेंट सिटी में इनके एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं. तो आपकी जो नियर बाई सिटी रहेगी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से वहाँ पे जाके आप अपना रिटन टेस्ट दे सकते हैं. वंस यू गेट क्लियर इन योर रिटन टेस्ट देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. इंटरव्यू में आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक व्हाई यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड. देन आपसे जिस शिपिंग कंपनी में आप सिलेक्ट हुए हो तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में पूछेंगे कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन अवर कॉलेज. तो उसमें आपको जो अच्छा लगता है उस कंपनी के बारे में, उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में तो आपको बताना रहेगा. आपसे आईएमयूसीटी के बारे में पूछ सकते हैं. आईएमयूसीटी के लिए आप मेरी अपकमिंग वीडियो देख सकते हैं, आईएमयूसीटी के बारे में पूछ लेंगे. देन आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है. साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपसे एक क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा जाएगा. लाइक आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेक
की जाती है, लाइक किस चीज़ के बारे में आप कैसा सोचते हैं, देन आपकी डिसीजन एबिलिटी चेक की जाती है। तो ये होता है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। थर्ड स्टेप है हमारा मेडिकल। सो गाइज, ये सब होने के बाद हमारा मेडिकल किया जाता है। सो ये जो मेडिकल होता है वो डीजे प्रो डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो इसमें हमारी फुल बॉडी का चेकअप होता है, मेनली हमारी आई टेस्टिंग जो कि 6x6 होनी चाहिए, देन ईयर टेस्टिंग यानी साउंड टेस्टिंग की जाती है, देन सोनोग्राफी होती है जो कि मेडिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मोस्टली लोग इसी में आउट हो जाते हैं। तो सोनोग्राफी होती है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि जब भी आप मेडिकल के लिए जाएँ तो नारियल का पानी पी के जाएँ, उससे आपकी जो थोड़ी बहुत गंदगी वगैरह रहती है अंदर में वो सब क्लियर हो जाती है, मेडिकल में नहीं आती, तो आपका मेडिकल एग्जाम क्लियर जाएगा। तो जब मेडिकल की आपकी रिपोर्ट आती है, उस मेडिकल रिपोर्ट में आपका सब कुछ दिया होता है कि आपकी आई कितनी है, ईयर जो साउंड टेस्टिंग हुई है वो कितनी है, सोनोग्राफी में क्या क्या जो भी कुछ आता है वो सब दिया रहता है। तो वो जो रिपोर्ट होती है वो आपको कंपनी में सबमिट करानी होती है। कंपनी में सबमिट कराने के बाद आपका सारा काम ख़त्म, आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप लेटर दे देगी, आपके पास आपकी जॉब हो जाएगी, देन आप IMCT के लिए जा सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग एडमिशन के लिए जा सकते हैं। सो फर्स्ट ही, जब भी आप स्पॉन्सरशिप लेटर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो अप्लाई इन एटलीस्ट 3-4 शिपिंग कंपनीज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि उसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप एक में सेलेक्ट नहीं होते हो तो दूसरे में सेलेक्ट हो जाओगे, तीसरे में सेलेक्ट हो जाओगे, इससे आप अपना MUCT दे सकते हो। अदरवाइज आपने अगर एक में अप्लाई किया है और उसमें सेलेक्ट भी नहीं हुए तो आपका MUCT की डेट भी निकल जाएगी और आपका टाइम भी सारा ख़राब हो जाएगा। सेकेंड इज़, अगर आपने 12th में अच्छा स्कोर किया लाइक 80 above 90 above, तो ट्राई इन बिग कंपनीज, लाइक मैंने बताया कि टिकी टैंकर 85% वालों को लेती है, तो ऐसे ही अलग कंपनी की अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो बड़ी कंपनियों में ट्राई करना। अगर 80 above 90 above आपने स्कोर किया है तो ट्राई इन बिग कंपनीज। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। हैप्पी सेलिंग, बोन वॉश, जय माता।